वॉइस ओवर है, जज मत करना। हाँ, तो तुम्हारा भाई कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो में गया था, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑटो एक्सपो। हाँ, मतलब जाने के बाद मेरे को पता चला। सो या, मैं गया था ऑटो एक्सपो में, जहाँ पे मेरे को लाइक इनविटेशन तो नहीं कह सकता, बट या यू नो, मेरी किसी फ्रेंड ने मेरे को दो पासेस दिए थे। मैं और मेरा एक दोस्त अभिजीत, हम दोनों गए थे उस ऑटो एक्सपो में देखने के लिए लाइक क्या होता क्या है। मैं कभी ऑटो एक्सपो गया नहीं था, तो पहला एक्सपीरियंस था मेरा। और मैं गया ऑटो एक्सपो, और मैं जैसे गया मैं ऑलमोस्ट काफ़ी लेट था, क्योंकि 4:30 पे हम वहाँ पहुँचे थे और ऑलमोस्ट 5:30 पे सारा चीज़ क्लोज हो जाता है। सारे जितने भी ब्रांड्स के एक्सपो लगे होते हैं वो सारे क्लोज हो जाते हैं, वहाँ जाके हम शूट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो भैया हम पहुँचे 4:30 बजे वहाँ पे, और काफ़ी रास्ता यार, काफ़ी भीड़ था, क्योंकि उसी दिन काफ़ी सारी कार लॉन्च भी हो रही थी और काफ़ी लोग देखने आए थे, यू नो, बिजनेस पर्पस और शूट के लिए। और वहाँ पे शाहरुख खान भी आया हुआ था, और हमारे MSK भाई और टेक बर्नर भाई भी आए हुए थे, जो कि हम उनसे मिलने की काफ़ी कोशिश करें, बट फिर हम लोग को लगा कि वो लोग भी अपना काम कर रहे थे, शूट वगैरह कर रहे थे, तो हमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। सो या, हम लोग पहुँच गए वहाँ पे, और हम सीधा गए पहले MG मोटर पे, जिसके लिए हम वहाँ पे गए थे, MG मोटर के लिए हम वहाँ गए थे। तो हमने थोड़ा बहुत शूट किया इधर उधर, यू नो, कार्स देख के मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मेरी मतलब ज़िंदगी में कभी ऐसे कार नहीं देखे, जो बंदा बचपन से साइकिल में घूम रहा हो उसको ऐसी कार दिख जाए तो भाई उसकी हालत तुम समझ सकते हो। हाँ भैया, तो हम वहाँ कार वार देख के मस्त घूम फिर रहे थे, वीडियो वीडियो बना रहे थे इधर उधर, बीरोल, इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट, फोटो, भाई राम क्या बोलो, मतलब भसड़ हो गई थी पूरी। करते करते भाई पता नहीं चला कब 5:30 बज गया। और उसके बाद मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला सनात वहाँ पे, वो भी शूट करने के लिए आया था। तो उसने बोला कि भाई तुम क्या कर रहे हो एक ही स्टोर पे, तुम सिर्फ MG मोटर का देख रहे हो, बाकी बाहर देखो कितनी सारी ब्रांड्स पड़ी हुई है, मर्सिडीज़ बेंज ये सारी चीज़ें, तुम होंडे ये सब नहीं दिख रहे हो। मुझे लगा भाई MG मोटर ही होगा, पता नहीं क्या सीन था मेरे को, मतलब उतना दिमाग में नहीं आया। कि मैं जैसे घुसा भाई कार देखा, और ये रेड वाली कार भाई क्या ही सेक्सी लग रही थी। मतलब इनका थीम था कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इनका ये थीम था MG मोटर वालों का। तो उनमें से वो लोग अपनी अपनी कार की मतलब यू नो फ्यूचर में जो आने वाली है कॉन्सेप्ट कार, और जो आज कुछ लॉन्च हो गई थी वहाँ पे उसी दिन, और पास्ट के जो कार्स थे वो सब वहाँ पे मतलब एक्सपो में रखे हुए थे। तो भाई मैंने सनात को बोला कि चलो भाई मैं बाकी जगह भी जाता हूँ। तो मैं और अभिजीत वहाँ से निकल गए। जैसे हम लोग वहाँ से निकले भाई, सारी जगह क्लोज हो गई थी, सिक्योरिटी वालों ने हमें कहीं पे भी शूट करने नहीं दिया। हम बस बाहर बाहर से थोड़ा बहुत देख के फिर हम निकल के घर आ गए। सो भैया मैंने वहाँ पे काफ़ी मतलब काफ़ी तो नहीं, बट ये कहूँगा कि मैंने एक बार ब्लॉग करने की कोशिश की थी भाई, बस तुम्हारे भाई की गांड इतनी फट गई ना वहाँ पे, क्या बोलूँ मैं, फट के चार हो गई कि मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर पाया। और देख सकते हो तुम, ये देखो 2-3 स्टार्ट। सब गाइस, सो आज मैं हूँ ग्रेटर नोएडा पे, और यहाँ पे MG का ऑटो एक्सपो चल रहा है। और यू नो, मैं हमेशा से कार के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था, सुपर कार थी, बाइक्स देखने के लिए। तो आज यहाँ पे बहुत अमेजिंग कुछ अपकमिंग मॉडल्स है और कुछ कार्स आज लॉन्च हुआ है। मैं यहाँ पे आया था सृष्टि के साथ, और वो ब्लॉगर है, तो उसको कुछ शूट करना हेल्प करने आया था। सो सोचा कि एक ब्लॉग भी शूट कर लूँ इसी बहाने, यू नो, यू गाइस कैन चेक इट आउट लाइक समथिंग, क्या क्या कार से और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वॉइस। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी अमेजिंग कार्स हैं, स्पोर्ट्स कार्स और इको फ्रेंडली। मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने बिल्कुल सच बताया तो मैंने बिल्कुल रिसर्च नहीं किया था, तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं आगा। बस ये कि मैं कार्स देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, और बहुत सही लग रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, इवन इन्जॉय द सिनेमेटिक भी। मुश्किल है भाई ब्लॉग करना, तो रिकॉर्डिंग कर ही रहा है यार। मतलब किसके हाथ में कैमरा, मतलब पकड़ा तो नहीं दिया था किसी और ने पकड़ा था, बट इस लॉन्डे को देखो, मतलब बंदे में इतनी मतलब शर्म बोलो या फिर मतलब क्या ही बोलो, मतलब लोगों के सामने उसकी हालत ख़राब हो जाती भाई। नया नया बंदा ना, नया नया सीख रहा है ब्लॉगिंग करना, समझ जाओ यार, थोड़ा बहुत एक्सक्यूज़ कर दो लॉन्डे को, ठीक है। हाँ, तो भाई हमसे ब्लॉग तो नहीं हो पाई, बट हाँ हमने कोशिश करी थोड़ी बहुत सिनेमैटिक फुटेज आपको दिखाने की। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो लद्दाख वाली एपिसोड आएगी नेक्स्ट वीडियो, और किन्नौर वाली वीडियो भी आने वाली है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और भाई सॉरी कहता हूँ मैं, बकचोदी के लिए। चलो ओके भाई, सी या, पीस।